गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। सारिया का बहुत बहुत स्वागत है साडे यूट्यूब चैनल मिस ट्रेंड मिस स्केल दे विच। उम्मीद करदी हां सारे जाने बहुत वधिया होवोगे। सो चलो जी शुरुआत करदे हां अज दे दिन दी, अज दे ब्लॉग दी। ते टाइम हो चुका 8:15 दा, बच्चे दोने जा चुके ने स्कूल, इंद्रजीत रेडी होके नीचे जा चुके ने, ते मैं भी हुण फटाफट रेडी होके चलदी हां नीचे, ते फिर मिलदे हां तुहानू नीचे चल के। लो जी टाइम हो गया तकरीबन 1:15 दा, चोवन स्कूल तो आ चुके हैं। अज फिर सानू इनविटेशन सीगा कड़ी चौल खाण दा। सानू खाण दी इनविटेशन हुंदे ने, मनोर रोड ते घटी हुंदे ने। ते चलो फिर आपां चलिए दुपहर दे टाइम दे करके आईए अपना लंच। चलिए भी चलो चलो फिर जल्दी वापस आईए, वापस आके फिर चाह पीवांगे वधिया जी। फिर खड़े ने सारे वेले बंदे। हां काम कर लिया करो, कोई सारा दिन वेले 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 टीवी देखी जाना बस सारा दिन। हैं सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। लंच दे विच कड़ी चावल तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलता पूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance 50 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइलिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। सेफ्टी ऑफ द लैंडिंग साइट एज एक्सपेक्टेड, द री टारगेटिंग इज गोइंग ऑन एंड दिस इज अ वेरी गुड सिग्नेचर फॉर द लैंडर। अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only two engines are now being fired, and we are nearly at. Now we are approaching the moon surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. That's great clapping. Yes. From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Ms. Somnath. हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही सुंदर, द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चिरंजीव चेतना बन जाती ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, नया विश्वास नई चेतना का है, ये क्षण
भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में लो जी, टाइम हो गया 6:30 दा ते आपा हो गया फ्री हुण ते एक सारयां नूं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन फॉर लैंडिंग चंद्रयान 3 सक्सेसफुली। और आपा सारा वो देखिया, बच्चियां नूं भी दिखाया ट्यूशन वालियां नूं अज आपा ते LCD दे उपर, ते बहुत खुशी हुई। ते चलो जी हुण आपा, मेरे पार्सल आए पए ने, आपा ओपन करके दे दिया कि आया इन्हां दे विच की आया। तो वैसे सूट ही ने ते केड़े आए ने वो चेक कर दे। किन्ने दिनां दे मेरे पार्सल सीगे जेड़े पोस्ट ऑफिस ही पए सीगे ते अज मेरे को डिलीवर होए ने। सो चलो आपां चेक करदे आं कि केड़े सूट इन्हां दे विच आए ने। ओपन करिए इन्हां नूं। फस्ट वाले दे विच तां ए वाले सूट आए ने जी, कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है इहदा। और इस दे नाल दुपट्टा हैगा, ए वाला प्योर का दुपट्टा लगता मैनू। यस, प्योर का ही दुपट्टा। तो ये वाला सूट आया, ये हैगा 800 का आया। और सैकेंड ये थोड़ा हैवी कपड़ा आ गया, रियोन दे विच आ गया, कॉटन दे विच कॉम्बो दे विच लगे हुए से सारे। तो ये नाल भी प्योर का दुपट्टा, ये भी सेम 800 का पिया उन्होंने। नैक्सट पार्सल ये मेरे ने सूट दे विच जिहड़े आए ने, ते ये मैं ना बुटीक लई मंगाए ने, आल रविया जिहड़ा ब्रांड आ उन्हां दी सेल लगी से आउट ऑफ स्टॉक दी, ते मैनूं काफ़ी सस्ते पए ने मेरे हिसाब नाल। मैनूं लगदा 10 सूट मेरे हिसाब नाल 1000 कते पए ने मैनूं शायद। चैक करदे आपां इन्हां दा। कपड़ा कोटा डोरिया दे सीगे वैसे तां। लो जी, इस दे विच आए ने ए वाले सूट, ते बहुत ही सॉफ्ट जिहा कोटा डोरिया, इदां नहीं हैगा कि खड़मा रहेगा। इहदे विच टाफ्टा कॉटन की लाइनिंग ला के बहुत प्यारे सूट बनेंगे इन्हां दे। ये प्लेन ही ने काफ़ी सारे। ये मैं मंगाया, एक वाइट कलर है, ब्लू है, और एक कलर है प्याजी का कलर, पिंक, येलो, ब्लैक, और ये भी वाइट, और ये भी बहुत अच्छे कलर आए ने। जो बंदे अलमीरा जिनी मर्जी सैट कर लो, फिर यह तहस नहस कर दिंदा इहदा। पता नहीं मुंडे इदा ही करते हैं अलमीरा का। अर्शदीप वाला हाल है इहदा, अर्शदीप भी इदा ही करता। जो जाने उदो समार आई दी आ, वो फिर इदा ही कर दिंदा सारी अलमीरा। तो यदा भी उही हाल आ, इसलिए मैं हुण इहदी आ बास्केट लई आ, सारियां टी शर्ट इहदियां इहदे विच पा देणियां ने, ते जिहड़ियां इहदियां शॉर्ट्स वगैरह ने आपां तैं करके रख देणियां ने, क्योंकि किहदे छोटे छोटे कपड़े ने तैं करदे आ तां खुल जांदे ने। सारियां टी शर्ट्स इहदे विच पा दे। लो जी, अलमीरा करती आपां जोवन दी सैट। टी शर्ट सारियां टोकरी दे विच पातियां इहदे विच। हुण सैट आ, हुणे खिंडणी नहीं चाहीदी, समझ आई? चलो देख दी हां मैं, हफ्ते दे विच विच देख लैणा इहदा हाल। नहीं, अख खोलदी नहीं उहदी, इन्नी खोलदी नहीं। कदों दिखा के आउंदे आ इहनूं पहले? फ्रोजन, ओ फ्रोजन इधर फ्रोजन है ना। फ्रोजन की अख नू पता नहीं की हो गया, जा तो बारबी ने लड़दी ने कुछ मारिया है। बारबी बहुत ज्यादा शरारती है, असि अज ही देखी है। कल दिखा के आने हूँ डॉक्टर को, आई ड्रॉप्स पाए। लो जी, टाइम हो गया 10:15 का, तो डेली ही इन्ना हो जाता, जिन्ना मर्जी जल्दी जल्दी कर लो काम, चाहे आराम ना कर लो, टाइम पक्का ही है कि इन्ना तो अपन हो ही जाता। और फिलहाल मैं सारे काम करके फ्री हो चुकी हूँ, डिनर भी अपने कर लिया, तो कपड़े भी वॉश हो गए ने। पर बच्चों है हूँ छुट्टियाँ, कल 24 तो लैके 26 तक, 27 का संडे आ गया। सो हम आप आराम ना उठा, तीन चार दिन ऐश दे कढ़ांगे, क्योंकि मॉर्निंग उठना थोड़ा जहा औखा लगता, दिन के फिर जो चलो चाल हो जाती है फिर नहीं कुछ औखा लगता, मॉर्निंग बहुत औखा लगता। पता नहीं तो मौसम इदा का ज कि। लो जी, टाइम हो गया 10:15 का, तो डेली ही इन्ना हो जाता, जिन्ना मर्जी जल्दी जल्दी कर लो काम, चाहे आराम ना कर लो, टाइम पक्का ही है कि इन्ना तो अपन हो ही जाता। और फिलहाल मैं सारे काम करके फ्री हो चुकी हूँ, डिनर भी अपने कर लिया, तो कपड़े भी वॉश हो गए ने। पर बच्चों है हूँ छुट्टियाँ, कल 24 तो लैके 26 तक, 27 का संडे आ गया।
ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਐਸ਼ ਦੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉੱਠਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਚਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਨੀ ਕੁਛ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ ਵਧੀਆ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਵਗੈਰਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸੱਤ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਤੱਕ ਉੱਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਬਾਏ